ये है गरुण संजीवनी और ये एक काफी ज्यादा रेयर जड़ी बूटी है जो हिमालय के घने जंगलों में देखने के लिए मिलती है और आयुर्वेद में इसका उपयोग कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसको बहुत से लोग चमत्कार से जोड़ते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप इस लकड़ी को बहते हुए पानी में डालोगे तो ये पानी की उल्टी दिशा में बहने लगती है, या फिर अगर आप इसको किसी बर्तन में रखोगे और ऊपर से इसमें पानी गिराओगे तो ये पानी में ऊपर की ओर चलने लगती है। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये लकड़ी गरुण संजीवनी हो, क्योंकि इस शेप की कोई भी लकड़ी बहते पानी की उल्टी दिशा में तैर सकती है और ऐसा होने के पीछे का कारण न्यूटन का थर्ड लॉ है। और न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया। यानी कि आप किसी चीज पर अगर फोर्स लगाते हो तो वो चीज भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी। बहते पानी की उल्टी दिशा में बहने वाली इस लकड़ी के केस में भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आपको ठगने के लिए इस लकड़ी को चमत्कारी बताते हैं, लेकिन ये